प्लस टू क्लास, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। बेटा मैट्रिसेस के साथ ही रिलेटेड है ये, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, मैट्रिक्स को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट को हम खोल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट का सिंबल जो होता है वो भी मैं आपको मॉडुलस की तरह होता है वो बताती हूँ अभी। हमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया 3 4 1 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिटर्मिनेंट ए। ये डिटर्मिनेंट ए का सिंबल है, मॉडुलस जिसको बोलते हैं ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो इस तरह से मैट्रिक्स की जगह पे हम डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन है सिंपल मॉडुलस की तरह, 3 1 4 2, ये हुआ डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 2 6, फिर खुद से माइनस लगाना 4 1 4। यहाँ पे किया हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई इसे किया हुआ ना, 6 4 कितना हो गया 2। ये डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को हम ऐसे नहीं कर सकते। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही डिफरेंस है। और हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए, 3 डिटर्मिनेंट ए की। तो अब आप 3 को डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ए कितना आया 2 3 2 6। लेकिन यही अगर 3 ए सिंपल होता तो हर एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया देन उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, एवैल्यूएट ए, डिटर्मिनेंट दिया है इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट हो तो एक्सपैंड करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसको इससे करेंगे, ये कहेगा ए प्लस ऑयटा बी इंटू ए माइनस ऑयटा बी, और खुद से माइनस का साइन लगाना है, फिर ये माइनस सी प्लस ऑयटा डी इंटू सी प्लस ऑयटा डी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब यहाँ पे ए का स्केयर माइनस ऑयटा बी का स्केयर, ऑयटा स्केयर बी स्केयर, माइनस बाहर ही रहने देती हूँ, पहले मैं इसको ठीक करके लिखती हूँ, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ऑयटा डी माइनस सी, और ये क्या बनेगा ऑयटा डी प्लस सी। अभी देखो ए स्केयर आपको पता है ऑयटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऑयटा स्केयर की -1 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्केयर, माइनस अब इस पर फिर से फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब ऑयटा डी का स्केयर ऑयटा स्केयर डी स्केयर आ गया माइनस सी स्केयर, तो ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑयटा स्केयर डी स्केयर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी स्केयर, ये बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऑयटा स्केयर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया डी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, देन शो दैट 2A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4 डिटर्मिनेंट ए के। तो मैं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मुझे 2A चाहिए, मैं 2A निकाल देती हूँ, मींस ए के हर मैट्रिक्स है ना ए, हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 4, ये हमारे पास आ गया 2A। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मीन्स पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना, फिर ही हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। करो इसको 4 2 8 माइनस 8 4 32, 8 माइनस 32, ये हमारे पास बनेगा -24। अब हमें राइट हैंड साइड देखनी है, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, राइट हैंड साइड के लिए हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए पहले, तो डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए मीन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं 1 4 2 2। अब इसको एक्सपैंड करो, 2 -4 2 8 मीन्स -6, और राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास क्या है, 4 डिटर्मिनेंट ए, तो 4 को डिटर्मिनेंट ए से, डिटर्मिनेंट ए है -6, तो ये कितना आया -24, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द दीज टू डिटर्मिनेंट्स इक्वल, मतलब हमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है और ये दो डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल हैं, 2x 5 3x इज इक्वल टू 16 5 3 2। अब देखो इसमें और मैट्रिक्स में फ़र्क है, दो मैट्रिक्स इक्वल होते थे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, दोनों को सॉल्व करके फिर लिखना है, ये 2x² बन गया -5 3 15, 32 -5 3 15। अब इसको सॉल्व करना है, 15 से 15 कैंसिल, तो 2x² इज इक्वल टू 32 मीन्स x² इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-4, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू बोली है, देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज, पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी 4, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, इफ ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दिया है cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा,
देन फॉर एनी नेचुरल नंबर एन डिफाइन द वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए की पावर एन का। देखिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए हमारे पास क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें जनरल वैल्यू निकालनी है यहाँ पे से, जनरल वैल्यू ए की पावर एन, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन थीटा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ये इस तरह क्यों, क्योंकि अगर आप एन को वन पुट कर तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अगर टू पुट करेंगे कॉस टू थीटा, इस तरह से सारे। तो हमने इसलिए जनरल वैल्यू बनाई तो एन पावर में आई, तो यहाँ पे एंगल के साथ एन बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन ये फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब हम इस तरह से कर देंगे और बाकी तो वही रहेगा सारा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। अब आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एन थीटा, माइनस खुद से लगाना है, एक माइनस इसका भी आएगा, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर एन थीटा। नौ ये बना कॉस स्क्वायर एन थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन। तो बस ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू बेटा।